सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हुए थे रॉयल इनफील्ड के शोरूम और ये हमारे सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड सुपर मेटियोर 650, जो कि बोल सकते एकदम हार्ले टाइप वाला आपका फील दे रहा है, एकदम हार्ले टाइप लग रहा है। न्यू निकाला गया है रॉयल इनफील्ड की तरफ से सुपर मेटियोर 650, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और कह सकते हो हार्ले की तरह ही दिख रहा है, एकदम काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी लंबा एकदम कर दिया गया। तो आज का वीडियो हमारे इसी बाइक के ऊपर में है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रंट से देखें तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है, एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखो, फ्रंट में आपको LED हेडलाइट का सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स देखो तो इंडिकेटर्स भी आपका बल्ब में प्रोवाइड किया गया है, इंडिकेटर्स बल्ब में प्रोवाइड किया गया है। और सस्पेंशन की तरफ आएँ तो सस्पेंसर आपका USD फोक प्रोवाइड किया गया है और इसके ऊपर में आपका रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिया गया है। टायर्स की तरफ देखो तो आपका सीएट का टायर दिया गया है, 100/90 का टायर और 19 इंच का एलॉय दिया गया है, ट्यूबलेस टायर है और डुअल चैनल ABS के साथ प्रेजेंट है, बाइब्रे का ब्रेक्स दिया गया है। और फेंडर्स की तरफ देखो तो फेंडर आपका ग्रीन कलर में प्रोवाइड किया गया है, मेटेलिक ग्रीन और थोड़ा सा यहाँ पे गोल्डन का टच है विद ब्लैक के साथ है। एक बार इस तरफ से भी एलॉय देख लो तो एलॉय देखने में काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी न्यू लुक के साथ प्रेजेंट किया गया है। इस तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर वगैरह दिया गया है। तो हैंडल्स की तरफ देखो तो हैंडल्स की तरफ आपका हाई बीम, लो बीम और पास स्विच है, राइट लेफ्ट इंडिकेटर, हॉर्न, इस तरफ आपका आई बटन है और यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे लोगो मिलता है हैंडल्स के ऊपर में। और ये कलर काफ़ी सही लग रहा है, मतलब नया आया है या ऐसा कुछ, मतलब ये वाला पार्ट सिंगल हैंडल के साथ प्रोवाइड है। और इस तरफ देखो तो इस तरफ आपका इग्निशन ऑन ऑफ, मतलब 3-स्टेप इग्निशन ऑन ऑफ है और ये आपका हज़ार लाइट का ऑप्शन है। तो एक बार मीटर को ऑन करते हैं तो डिजिटल और एनालॉग में मीटर मिलता है, डिजिटल में एनालॉग में आपका स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल में आपका ट्रिप मीटर, फ्यूल गॉज और गियर इंडिकेटर, क्लॉक वगैरह सारा कुछ बताता है। ये इस तरफ आपका फ्यूल गॉज का है, यहाँ पे आपका किलोमीटर का है, गियर वगैरह है, इको मोड है और यहाँ से आई बटन से आप ये सारा कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे कि देखो ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, ये चेंज कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका फ्यूल लाइट, बैटरी लाइट, EVS लाइट, इंजन लाइट, ड्रेन वगैरह का लाइट है। इस तरफ आपका है कि GPS वगैरह का, GPS से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक बार बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। बाइक का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड है और मतलब कह सकते हो हाँ कि बहुत ही ज़्यादा सही है। टैंक की तरफ देखा जाए तो 15.7 लीटर का टैंक दिया गया है। इसके ऊपर में आपका रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिलता है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ग्रीन कलर में आपका टैंक प्रोवाइड किया गया है, ग्रीन के ऊपर में थोड़ा सा आपका गोल्डन का टच है विद ब्लैक के साथ है। इस तरफ से तो देखो तो रॉयल इनफील्ड का न्यू लोगो निकाला गया है, रॉयल इनफील्ड है पर ये लोगो न्यू है और ये वाला आपका डिज़ाइन लोगो के ऊपर में। और सस्पेंशन है तो सस्पेंशन देखो ये आपका सोवा का सस्पेंशन दिया गया है जो कि काफ़ी सही रहता है सस्पेंशन। और नीचे की तरफ देखो तो सुपर मेटियोर 650 का आपका स्टिकर्स वगैरह दिया गया, ग्राफिक्स वगैरह है और ये पार्ट को ब्लैक रखा गया है। पीछे से देखो तो पीछे का पार्ट काफ़ी आपका बल्की लगता है और पीछे की तरफ आपका लाइट दिया गया है। नीचे की तरफ आपका रॉयल इनफील्ड का, इस तरफ रॉयल इनफील्ड का बैजिंग मिलता है और इसके ऊपर भी आपका गोल्डन कलर का ग्राफिक्स वगैरह दिया गया है विद ब्लैक के साथ रखा गया है जो कि काफ़ी सही लग रहा है कलर, जैसा कि आप देखो बहुत सही लग रहा है। और इस तरफ भी सुपर मेटियोर 650 का ग्राफिक्स, इंजन के ऊपर में आपका रॉयल इनफील्ड का लोगो मिल रहा है, काफ़ी बड़ा सा लोगो मिल रहा है रॉयल इनफील्ड का। और इस तरफ से भी पीछे से भी एक बार यहाँ का देख लो पार्ट, काफ़ी सही लग रहा है कलर, तो काफ़ी सही लग रहा है। और सीट की तरफ आए तो सीट आपका ड्यूअल सीट प्रोवाइड किया गया है पर पीछे के सीट के बाद आपका कुछ वो प्रोटेक्शन वगैरह का नहीं है। और सीट देखो तो सीट भी आपका काफ़ी सही कुशन मिल रहा है और एकदम क्रूज़र बाइक ही है तो बीच में आपका सीट काफ़ी सही मिल रहा है। और ये आपका ग्रैब के लिए है
इंजन, तो इस बाइक के इंजन की तरफ आएँ तो 650 सीसी का इंजन मिलता है, एग्जैक्टली आपको 648 सीसी का इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो 47 पीएस का पावर और 52.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है। और पैरेलल ट्विन इंजन है दोनों तरफ से है। पैरेलल ट्विन इंजन है, फोर स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन के साथ प्रेजेंट है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है। और इस तरफ देखो तो रॉयल एनफील्ड का बैजिंग वगैरह दिया गया है। इस तरफ से भी देखो पैरेलल ट्विन इंजन है और एक मतलब एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट काफ़ी सही लग रहा है देखने में। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों तरफ ही एग्जॉस्ट दिया गया है, ये देखो। तो फुटपेक्स वगैरह की तरफ आएँ तो देखो यहाँ पे आपका रॉयल एनफील्ड का फुटपेक्स मिलता है, जो कि फुटपेक्स आपका रॉयल एनफील्ड का टैग के साथ मिलता है। और थोड़ा सा आपको ये क्रूजर बाइक है तो इस पार्ट को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया गया है। पीछे का भी फुटपेक्स देखो तो फोल्डेबल है और फ्रंट का भी फुटपेक आपका फोल्डेबल था। और एग्जॉस्ट देखो तो एग्जॉस्ट आपको पीछे की तरफ से मतलब दोनों तरफ ही एग्जॉस्ट दिया गया है। और इस तरफ से भी आपको दिखा देते हैं तो ये वाला भी फुटपेक देखो फोल्डेबल है और इधर से भी बाइक वगैरह गिरेगा तो जल्दी फुटपेक टूटेगा नहीं। अब तो पीछे के टायर की तरफ देखो तो सीएट का टायर दिया गया है, 150/80 का टायर और 16 इंच का एलॉय मिलता है। एलॉय का डिज़ाइन काफ़ी सही है, ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ प्रेजेंट है। पीछे आपका वाइब्रेट का ब्रेक्स प्रोवाइड किया गया है। तो एक बार पीछे का आपका लाइट ऑन करके दिखाते हैं, तो पीछे की तरफ लाइट देखो तो एलईडी लाइट है, बीच में आपका रिंग टाइप से प्रोवाइड किया गया है। और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए लाइट मिलता है, इस तरफ आपका रिफ्लेक्टर दोनों ही तरफ, पीछे की तरफ आपका इंडिकेटर्स मिलता है जो कि एक बार दिखा देते हैं आपको, हज़ार्ड के साथ प्रोवाइड है। तो ये देखो हज़ार्ड के साथ प्रोवाइडेड है, बल्ब लाइट है। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 135 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाइक की कर्व वेट देखें तो 241 kg का आपको बाइक अप्रोक्स मिल रहा है। तो मेन बात प्राइस की तरफ आ जाते हैं, तो प्राइस की तरफ आएँ तो आपको 3.9 लाख रुपीज़ आपका ऑन रोड प्राइस पर है, ये जो कि उड़ीसा पाटिया में आपका पड़ रहा है। तो बाइक तो ओवरऑल काफ़ी सही है और न्यू लुक के साथ प्रेजेंट किया गया है, क्रूज़र बाइक है, काफ़ी सही लग रहा है, 650 सेगमेंट में है। तो होप सो गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं सही किसी और वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।